नमस्कार दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी एक हफ्ते पहले, जिसमें हमने चर्चा की थी कि वीडियो कैसा हो सकता है, और अंत में उस वीडियो में हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इसका क्या प्राइस खुल सकता है, मतलब कहाँ तक ये जा सकता है। दोस्तों एक मात्र अपना ऐसा वीडियो था जहाँ हमने इसके प्राइस की ओपनिंग की बात की थी। अब हर जगह चर्चा हो रही है, इस वीडियो में देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स की आईपीओ क्या रिस्पांस मिला, क्या इसकी खूबियां रही, और क्या आपको मालामाल कर सकता है आईपीओ, कितने पैसे मिल सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को देखने का पूरा टाइम हो तभी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्या मिलता है दोस्तों, आपके इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लाइव मार्केट में 2:30 बजे डेली लाइव मार्केट में लाइव आते हैं, आपके शेयर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। तो आप भी अगर इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 9 बजे आते हैं और डेली 2:30 बजे लाइव सेशन में एनालिसिस करते हैं। चलते हैं आईपीओ के ऊपर में कि हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ कैसा है। हमने एक हफ्ते पहले जो विश्लेषण किया था वो ये वीडियो है, आप इसको जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें एनालिसिस किया था। और अब इसकी खूबियां क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे जबरदस्त इसको रिस्पांस मिला है दोस्तों, इसका प्राइस बैंड निर्धारित किया गया था 165 से 166 के बीच में, 151 टाइम सब्सक्राइब हुआ है गाइस, और पिछले 10 सालों में 8th सबसे बड़ा आईपीओ बन गया है सब्सक्रिप्शन के मामले में। दोस्तों इतना जबरदस्त रिस्पांस पिछले 10 सालों में शायद ही किसी आईपीओ मिला। 702 करोड़ का आईपीओ था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सब्सक्राइबर्स ने इसको 352 टाइम सब्सक्राइब किया और क्यूआईबीज ने इसको सब्सक्राइब किया 77.4 टाइम्स। आप सोच रहे होंगे कि अलॉटमेंट का स्टेटस पता कहां से करना है। अलॉटमेंट का स्टेटस आपको पता करना है दो लिंक से दोस्तों, एक लिंक आपके सामने बीएससी इंडिया का है और दूसरा लिंक है आपका फिनटेक का। चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि आपको अपना आईपीओ कैसे चेक करना है। सबसे पहले चलते हैं हम बीएससी के लिंक पे। दोस्तों इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो खुलेगी, विंडो में आपको जाना है, सबसे पहले इश्यू टाइप इक्विटी रहेगा, इशू के नेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही एच प्रेस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है जो मैंडेटरी है, सर्च करेंगे आपको अपना स्टेटस मिल जाएगा। दूसरा जो फिनटेक का लिंक है वो भी ऐसा ही है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ का नाम सिलेक्ट करना है, एच टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी हैप्पीएस्ट माइंड्स आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर से या डीपी आईडी से या पैन नंबर से आप सर्च करेंगे, नॉन एसबा एसबा सिलेक्ट कीजिए, एंटर एप्लीकेशन नंबर डालिए, ये कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपको स्टेटस पता लग जाएगा। दोस्तों ये है आपको स्टेटस पता करने का तरीका आपके हैप्पीएस्ट माइंड्स की अलॉटमेंट का। तो सब सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या ये आईपीओ अच्छी रिटर्न देने वाला है। जरा आपके सामने कुछ इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में कुछ टाइप किया है, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में रेफरेंस के लिए आपको काम में आए। आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की नजर से देखा जाए तो 166 का प्राइस बैंड, 351.5 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, 7 दिन का लिवरेज और 7% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 78.32 का इंडियन रुपीज में प्रीमियम ऐड होता है एचएनआई की कॉस्ट में, जिसका मतलब है कि शेयर का प्राइस 244 तक जा सकता है, वहां पे ब्रेक इवन निकल के आता है। द हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है दैट इज अराउंड 108 to 111, द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज 425 रुपीज एंड द सब्जेक्ट टू सौदा इज 7000। इस हिसाब से इसका जो प्रीमियम है 67 से 68 हो सकता है, मतलब अगर 68-70 रुपीज का प्रीमियम हो रहा है, 166 की अलॉटमेंट है, तो मोटा मोटा 225 रुपए आसपास का भाव बनता है। चलिए उस वीडियो पे लेके चलता हूं आपको जहां हमने आईपीओ के स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये कहां तक खुल सकता है, इसमें कहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहां तक जा सकता है। चलिए उस वीडियो पे लेके चलता हूं। दोस्तों ये वो वीडियो है, देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ कंप्लीट रिव्यू, 3 सितंबर को हमने ये वीडियो डाली थी, 702 करोड़ का आईपीओ, व्हाट विल बी द लिस्टिंग प्राइस, दिस वाज द हेडिंग गाइस, नोबडी वाज प्रेडिक्टिंग द प्राइस, वी वर प्रेडिक्टिंग द प्राइस। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे बहुत क्लियरली हम लोगों ने कहा था कि 169 का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल रहेगा, यहाँ से पार करते ही स्टॉक ये 186 210 210 रुपए तक का भाव जा सकता है। आज लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमने 3 सितंबर को कैलकुलेट कर दिया था कि हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो प्रीमियम है 210 रुपए तक जा सकता है। आप इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि हमने वहां क्या कहा था, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स में इन्वेस्ट किया होगा और इस साल जितने भी आईपीओज आने वाले बहुत ही जबरदस्त हैं। आने वाले आईपीओज की लिस्ट में कैम्स है, यूटीआई है और बहुत सारे ऐसे आईपीओज हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं, जिनकी वेट कर रही है दुनिया और बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओज हैं। दोस्तों आईपीओज की एक ऐसी मार्केट है जहां जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करियर का,
वो वहां डीमैट अकाउंट खोल के अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आने वाले आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, या आपके पास है और नए आईपीओ की शुरुआत नए डीमैट अकाउंट से करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एंजल ब्रोकिंग का, ज़ीरोधा का, अपस्टॉक्स का, आईएफएल का, बहुत सारी कंपनीज के आपको लिंक मिल जाएंगे जिसमें चाहे आप अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लेके आता रहूंगा, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।